अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आसिम और आप देख रहे हैं हाउ टू डू यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे सॉफ्टवेयर की बात करने वाला हूं जो कि आपके पीसी लैपटॉप में ज़रूर होना चाहिए। तो गाइज, ये बहुत ही कमाल का एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप वीडियो को कन्वर्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, वीडियो को DVD पर बर्न कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें आपको जो है वीडियो से जिफ बनाने के लिए एक टूल मिल जाता है। वीडियो से आप जो है फ़ोटो से आप जिफ बना सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा अपने कंप्यूटर में जो डेटा है उसको आप अपने TV पर स्ट्रीम कर सकते हैं। मतलब ऑल इन वन एक सॉफ्टवेयर है और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं। आज की इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए जो कि कंप्यूटर लवर्स हैं। तो ये बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर होने वाला है। आपको इस फुल गाइड करूँगा कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसके कौन कौन से कमाल के फीचर्स हैं। तो चलें देख लेते हैं। ओके गाइस, तो जैसे ही आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन की लिंक को फॉलो करेंगे तो ये आपको इस वेबसाइट पर ले आएगा। ये है यूनिक कन्वर्टर की एक वेबसाइट जो कि वंडरशीट की तरफ से एक प्रोडक्ट आता है जिसमें आप बहुत सारे फॉर्मेट्स में अपनी वीडियोज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं, DVD पर बर्न कर सकते हैं, वीडियो को एडिट कर सकते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर ट्राई इट फ्री पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे और ये आपके पास कुछ इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करना है इंस्टॉल होने तक और इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास। ओके गाइस, तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले अगर हम कन्वर्टर की बात करें तो यहाँ पर से आप जो है अपनी वीडियोज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत सारे फार्मेट्स में। आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारे फार्मेट्स आ जाते हैं, यहाँ पर डाउनलोड आ जाता है, यहाँ पर आप जो है अपना कोई भी URL किसी भी वेबसाइट से जैसा YouTube और Facebook वगैरह से यहाँ पर पेस्ट करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो है CD को बर्न कर सकते हैं, मतलब DVD पर इसको राइट कर सकते हैं अपना डाटा जो भी होगा। उसके अलावा आप यहां पर से फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब आप अपने PC से आईफोन और आईपैड वगैरह पर जो है और उसके अलावा एंड्रॉयड डिवाइसेस पर आप बड़ी आसानी के साथ यहां से फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर टूल बॉक्स है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम जो है बारीक बारीक जो है तसल्ली से बात करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले एक कन्वर्टर की बात करें तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप इसको अपने कंप्यूटर से कोई फाइल देके उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं, या फिर आप DVD अगर आपने लगाई हुई अपने अपने कंप्यूटर में तो उसमें से भी फाइल्स को लोड करके कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमें ये जो फाइल यहाँ से ऐड करनी है, मेरे पास डेस्कटॉप पर एक फ़ाइल पड़ी है तो हम यहाँ पर उस फाइल को ऐड कर देते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे तो अभी इसका साइज़ 457 MB है, यानी कि तो यहाँ पर कुछ 450 के करीब यहाँ पर इसका साइज़ है। अगर हम यहाँ पर से इसके मुख्तलिफ फॉर्मेट्स को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास उसका डिफरेंट साइज़ आ जाएगा। जैसे कि हम जो है 720p में करेंगे तो 110 MB की रह जाएगी। उसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इनको जो है यूज़ करके अपनी वीडियो फाइल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, MP4 जो है, MOV, MKV, AVI, WMV और उसके अलावा यहाँ पर आपके पास बहुत सारे जो हैं फॉर्मेट्स हैं जिस मर्ज़ी में आप इसको कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के लिए कर सकते हैं, फेसबुक के लिए कर सकते हैं, यूट्यूब के लिए कर सकते हैं। जैसा कि यूट्यूब के लिए अगर मैं करता हूँ तो ये इतने साइज़ की बन जाएगी। उसके अलावा आपके पास काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं, आप इनको जो है किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास आउटपुट आएगा, मतलब आपकी फ़ाइल कहाँ पर जाके सेव होगी। तो ये आपकी D ड्राइव में इस फोल्डर में सेव हो जाएगी। यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं या फिर सेम एज़ फोल्डर कर सकते हैं, मतलब जिस फोल्डर से उठाई है वहाँ पर ही आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही ये कन्वर्ट हो जाएगी तो यहाँ पर आपके पास कन्वर्ट होके आ जाएगी। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपके पास जो है एडिटिंग के लिए भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर ट्रिम कर सकते हैं, किसी भी जगह से आप जो है इसको ट्रिम कर सकते हैं, यहाँ पर जो है आप कट लगा सकते हैं और सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप को यहाँ पर आपको बहुत सारी जो है क्रॉप के लिए ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ से अपनी वीडियो को किसी भी जगह से क्रॉप कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास बहुत सारे और ऑप्शन आ जाते हैं जिनको आप यूज़ करके इसको क्रॉप कर सकते हैं। आप
यहाँ पर से जो है इसका ये रेशो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारी इफ़ेक्ट्स मिल जाती हैं। जैसा कि मैं हॉलीडे इफ़ेक्ट एक लगा देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर के ऊपर जो पहले वीडियो आपकी ऐसी थी अब ऐसी आ रही है। तो आप जो है अपनी हिसाब से यहाँ पर जो है एडिटिंग कर सकते हैं। सिंपल लगा देता हूँ, ये जो भी आप लगाना चाहें, या फिर किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर आप अपना वाटरमार्क वगैरह भी लगा सकते हैं, यहाँ पर आप सब टाइटल वगैरह भी लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास ऑडियो को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा हमारे पास अगला जो ऑप्शन है वो है डाउनलोड का। और डाउनलोड में ये है कि आप यहाँ पर किसी भी जो है एक वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर उस वीडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो जैसा कि आपने डाउनलोड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप अपने ब्राउज़र में जाएं, यूट्यूब पर कोई भी वीडियो प्ले करके, जैसा कि मैंने ये अपनी एक वीडियो प्ले कर रखी है, इसका यूआरएल यहां से कॉपी कर लें और इसके बाद यहां पर आके पेस्ट कर दें। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे, यहाँ पर यह वीडियो को एनालाइज़ करेगा, मतलब वीडियो के बारे में आपको देखेगा कि इसमें कौन कौन सी क्वालिटी अवेलेबल्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देगा। तो सबसे जो है आपने हाई रेजोल्यूशन पर करना है, तो आप जो है 1080p पर क्लिक करके इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रायल वर्जन पर आपको 720p में ही डाउनलोड के लिए मिलेगा। उसके अलावा अगर आपके पास जो है इसका प्रीमियम वर्जन होगा, तो फिर आप 1080p तक इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही ये फिनिश हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ से वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब इसके थ्रू यहाँ पर आप जो है वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि मैं अभी नहीं करने वाला, क्योंकि मेरा जो है पहले से जो एक चल रहा है यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डर, वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन जो आ जाता है, वो होता है DVD को बर्न करने के लिए। आपने यहाँ पर से अपनी काफ़ी सारी फाइल ऐड कर देनी है, उसके बाद आपने यहाँ से जो है कोई भी मेन्यू सेलेक्ट कर लेना है, मतलब कोई भी कस्टम मेन्यू आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपके पास ये आप इसको DVD में कन्वर्ट कर पाएंगे, मतलब ये सारी जो आपके पास वीडियोज़ होंगी या जो भी जितना भी डाटा होगा, आप तकरीबन 4.70 GB तक, मतलब 5 GB के करीब तक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आपके मुताबिक आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स मिल जाती हैं। आपने अक्सर DVD प्ले की होगी, तो कुछ इस तरह की टेम्पलेट्स आ जाती हैं, जिनको आप यूज़ करके, मतलब जितनी भी उसमें मूवी होती हैं, आप उसको अपने हिसाब से चला सकते हैं। तो वो सारी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे ही आप इसको ओके करेंगे, तो यहाँ पर ये आपकी टेम्पलेट सेलेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पर आप अपनी वीडियोस सारी सेलेक्ट करके इसको बर्न कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास है ट्रांसफ़र के लिए। ट्रांसफ़र के लिए आपने यहाँ पर अपनी बहुत सारी फाइल ऐड कर देनी है, उसके बाद आपने अपने जो है फ़ोन को यहाँ पर कनेक्ट करना है इसके साथ। और जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे, आपकी सारी फाइल्स आपके फ़ोन में, या फिर आपके आईफोन, आईपैड, आईपॉड, या सारे वो डिवाइसेस जिनके आप USB केबल के थ्रू कनेक्ट करके यहाँ से फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये भी काफ़ी कमाल का एक जो है ऑप्शन है। उसके अलावा टूल बॉक्स में आते हैं, तो यहाँ पर आपके पास इमेज कन्वर्टर आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी आप जो है जिफ वीडियो बना सकते हैं, या फिर फ़ोटो से यहाँ पर जिफ बना सकते हैं। जैसा कि मैं ये दो तीन फ़ोटो ऐड कर देता हूँ, तो कुछ इस तरह से आपकी जिफ बन जाएगी। तो आप इस जिफ को इस तरह से जो है बना सकते हैं। इसके अलावा आपके पास और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये आपके पास स्क्रीन रिकॉर्डर आ गया, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप जो है वीडियोस का डाटा फिक्स कर सकते हैं, वीडियो को कंप्रेस कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है अगर कोई भी एक वीडियो यहाँ पर लाते हैं, जैसा कि मैं यहाँ से डेस्कटॉप से एक वीडियो ले आता हूँ, और आप इसको कंप्रेस करेंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी, बगैर क्वालिटी लॉस किए आपको बहुत ही बढ़िया यहाँ पर कंप्रेस फाइल मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर आप जो है इसको TV पर कास्ट कर सकते हैं, VR कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा CD को बर्न कर सकते हैं, वो पहले ही बता चुका हूँ। और उसके अलावा CD पर
सीधी रेफर कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इन सभी को यूज़ करके बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी वीडियो क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर वीडियोज़ का कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको आप यहाँ से बड़ी आसानी के साथ कोई भी चीज़ को जो है बहुत अच्छी तरह से फिक्स कर सकते हैं। वीडियो कन्वर्ट हो, डाउनलोड हो, या फिर डीवीडी पर बर्न करनी हो, या फिर फाइल्स को ट्रांसफ़र करना हो, या फिर आपके पास इतने सारे और ऑप्शंस हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाफिज़ पाकिस्तान, जिंदाबाद।